नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां गुदड़ी थाना क्षेत्र से 4 केन आईईडी बम बरामद किया गया है। भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए केन आईईडी बम छिपा रखा था, सभी बमों को नष्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 4 आईईडी केन बम बरामद किए गए हैं। चक्रधरपुर के गुदड़ी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से नक्सलियों ने इस केन आईईडी बम को लगा रखा था। सभी बमों को सुरक्षा बल ने बरामद कर नष्ट किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केन आईईडी बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से नक्सलियों ने लगा रखा था, लेकिन नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा सुरक्षा बल के जवानों ने। इन चारों बमों को बरामद किया और फिर इन्हें नष्ट किया गया। हमारे संवाददाता रुपेश और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, 4 आईईडी केन बम बरामद किया गया, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। जी देखिए, ये गुदड़ी थाना क्षेत्र के चाईबासा जिला का जो सुदूर और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है गुदड़ी थाना क्षेत्र, और गुदड़ी और गोइलकेरा पनगांव ये जो थाना क्षेत्र है, ये भाकपा माओवादियों का प्रभाव वाला और काफी सुदूर क्षेत्र माना जाता है। और इन क्षेत्रों में इस तरह की कई मामले पहले भी आ चुके हैं कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भाकपा माओवादियों द्वारा आईडी बम प्लांट किया गया रहता है, और जिसकी सूचना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुदड़ी थाना क्षेत्र के जो डोंगे बेड़ा का जंगल पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें भाकपा माओवादियों द्वारा आईडी बम छुपा कर रखा गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा सीआरपीएफ 60 बटालियन के साथ एक दल गठित कर अभियान चलाया गया, जिसमें डोंगे बेड़ा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र से 4 आईडी केन बम के साथ डेटोनेटर और उसके साथ सेफ्टी फ्यूज बैटरी आदि बरामद किया गया। जिसके बाद ये अभियान में 60 बटालियन के जो कमांडेंट हैं आनंद जराई के अलावा कराईकला थाना के पुलिस और अन्य जवान शामिल थे, और ये बम बरामदगी के बाद मौके पर ही बीडीडीएस टीम द्वारा 60 बटालियन सीआरपीएफ का जो बीडीडीएस टीम है उसके द्वारा वहां उसे विनष्ट कर दिया गया है। जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए रुपेश। तो चारों बम को बरामद किया गया और उन्हें नष्ट किया गया सुरक्षा बल द्वारा।